और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं हावड़ा के लिए। यहाँ पे ट्रेन में झगड़ा हो जाए। अभी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सब जर्नल में बैठने के लिए लाइन लगे हुए हैं। इसे सामने हावड़ा ब्रिज और पीछे देख सकते हैं ईडन गार्डन, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है भाई। तो गाइस आप लोग भी अगर आ रहे हैं मेट्रो गली कैमरा बनवाने के लिए या फिर सेकंड हैंड कैमरा खरीदने के लिए, तो आप लोगों को हावड़ा ब्रिज पार करके 17,000 22,000 का 5,200 भाई शुद्ध पंप फट गया चाचा, पूरा परेशान है भाई। हेलो तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो कि मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और हाँ हमारे मनोज दा जो कि आज हम जा रहे हैं कलकत्ता हावड़ा, ठीक है, कैमरा को सर्विसिंग कराने। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस साल का ये लास्ट ब्लॉग रहेगा मेरा, एंड 2024 से कंटिन्यू ब्लॉग लाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी निकलते हैं, हम लोग भी काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने गाड़ी अपना स्टैंड कर दिया और यहाँ पे रसीद भी दिया पार्किंग वाला। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और वहाँ पर टिकट वगैरह भी करवाते हैं टाटा स्टील का, एंड वहाँ से सीधा भी निकलना होगा कलकत्ता हावड़ा। तो जा रहे कैमरा को सर्विसिंग करवाने। तो आज रेलवे स्टेशन में भीड़ देख सकते हैं, इतना लंबा लाइन लगा हुआ, मनोज भैया को उधर खड़ा कर दिए हैं। थैंक यू भाई, 10 रुपये चेंज है मेरे पास, 20 का नोट दे दिए। हाँ तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा दीजिए ना। तो भाई ने जो कि हम लोग लिए टिकट कर दिए, हम लोग बहुत लंबा लाइन था, भाई ने जो कि हम लोग लिए टिकट कर दिए क्योंकि हम लोग का लाइन बहुत पीछे था, एंड भाई को पैसा दिए, भाई ने निकाल दिया हम लोग का टिकट। जा रहे ट्रेन के पास, कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है? 3 नंबर। 3 नंबर जाके अंदर पता करते हैं, एडवांस सीधा निकलते हैं हावड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं जनरल कोच पे क्योंकि हम लोग अभी टिकट करवाए, रिजर्वेशन नहीं करवाए थे पहले से, तो वैसे भी जनरल में ज़्यादा भीड़ रहता है। तो चलिए आगे जो भी जनरल का होगी वहाँ पे देखते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन पे, और मनोज भैया जो कि ट्रेन में बैठ चुका है, एंड अभी अरे मॉर्निंग के मतलब 2 मिनट बाकी 6 बजने में, तो ये ट्रेन जो कि 6:10 में यहाँ से छोड़ेगी और 10:30 में हावड़ा पर पहुँचाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं कैमरा का रिपेयरिंग करवाना है क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, एंड अभी जो कि शादी का भी सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो अभी कैमरा को बनवा लेते हैं। आप लोगों को भी दिखाएंगे सेकंड हैंड कैमरा किस प्राइस में वहाँ पर मिलता है, तो वीडियो में बने रहे आखिर तक। तो गाइस 6:11 हो चुके हैं और ये अभी ट्रेन जो कि छोड़ चुकी है, अभी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, यहाँ पर चाय पी रहे हैं। चार घंटा ट्रेन के सफ़र के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं हावड़ा, और पहुंच ही चुके हैं, बस आधा घंटा जैसे लगेगा, और यहां से वो धीरे धीरे ट्रेन चल रही है। तो अभी नाश्ता भी नहीं किया हम सुबह से, अभी जाएंगे सबसे फर्स्ट बाहर निकल के कुछ खाएंगे, उसके बाद ही हम लोग फ्रेश वगैरह हो के और उसके बाद जाएँगे। ये बिल्डिंग जब हम देखते हैं तो जान जाते कि हावड़ा पहुँच गए हैं। हम लोग हावड़ा पहुँच चुके हैं और हावड़ा का ब्रिज, बाप रे इतना लंबा लाइन, सब आटेगा भाई ट्रेन में। सब जनरल में जाने के लिए रेडी है भाई, अभी स्टेशन से निकल चुके हैं बाहर की ओर, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं चाहिए अंकल। भीड़ देख सकते हैं भाई हावड़ा में, जमशेदपुर में जैसे आप लोगों को ऑटो दिखता है ना, तो हावड़ा में आप लोगों को दिखेगा टैक्सी। कितना जन बैठेगा भाई, 2 जन के 3 जन देखो भाई, टैक्सी टैक्सी भाई यहाँ पे देख सकते हो कि टैक्सी। अच्छा हमको देखना है कि टैक्सी में गियर होता है कि नहीं होता। कहा चाचा कहाँ चलना है? हवा लग गया है, पंप फट गया है। अच्छा तो गाइस टैक्सी में भी गियर रहता है, देख रहे हो, ठीक है चाचा, पंप फट गया है चाचा, पूरा परेशान है भाई हिंदी। तो गाइस अभी खाते हैं पराठा, जमशेदपुर का पराठा कुछ अलग ही रहता है भाई, ये बहुत पतला टाइप का दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो पराठा खा लेते हैं यहाँ से, देखिए रेलवे स्टेशन सामने में ही है भाई। ये रहा इधर का पराठा, नाखून से भी ज़्यादा पतला है भाई, 20 रुपये खा लेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा।
अभी जा रहे घाट तरफ। गली देख सकते हैं ऐसे, ये रहा गंगा नदी। तो गाइस ये रहा गंगा नदी जो कि पवित्र नदी है। भाई शुद्ध शुद्ध हो गया, ठीक है अब चलो अब काम करते हैं। तो गाइस आप लोग भी अगर आ रहे हैं मेट्रो गली कैमरा बनवाने के लिए या फिर सेकंड हैंड कैमरा खरीदने के लिए, तो आप लोगों को हावड़ा ब्रिज पार करके बस पकड़ के आप लोगों को जाना होगा मेट्रो गली धर्मतल्ला, ठीक है। धर्मतल्ला पे उतर के सामने ही है मार्केट, तो आप लोगों को कोई भी बता सकता है कि कैमरा कहाँ पे मिलता है। तो गाइस अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर रील्स और ऐसे वीडियोस वगैरह फोटो वगैरह ले लिए बहुत सारा। अभी जा रहे हैं मेट्रो गली धर्मतल्ला बस पकड़ के, मिला है हम लोग को बस धर्मतल्ला का। तो गाइस हावड़ा ब्रिज से हम लोग पकड़ लिया धर्मतल्ला का बस और जा रहे धर्मतल्ला और वहाँ से जाएंगे मेट्रो गली। ज़्यादा दूर का रास्ता है नहीं, 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो गाइस अभी हम धर्मतल्ला पे उतर चुके हैं और पीछे देख सकते हैं ईडन गार्डन जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है भाई, देख सकते सामने स्टेडियम। इसलिए अभी हम लोग को इसी रोड से जाना है आगे होते हुए जाएंगे मेट्रो गली। तो गाइस अभी हम पहुँच गए यहाँ पे, मज़ा पी रहे हैं क्योंकि प्यास भी लग रहे थे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो गली और यहाँ पर देख सकते हैं सारे कैमरेज का ही जो दुकान है, रिपेयरिंग और सेल सेकेंड हैंड सेल भी होता है। मेट्रो फोटोग्राफी यहाँ से लेंगे राइट टर्न, देख सकते हैं भाई पिछले बार भी मैंने यहीं पे बनवाया था मेरे कैमरा को। भैया थोड़ा कैमरा का रिपेयरिंग करवाना हो जाएगा ना, ठीक निकल ये तो देख सकते भाई। तो गाइस कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, फ्लैश वगैरह जल नहीं रहा एंड थोड़ा कुछ काम करवाना, इसीलिए मैं हम लोग को आना पड़ा है कलकत्ता। तो गाइस अभी जो कि 2 बजने वाले हैं एंड हम लोग का ट्रेन 10:30 बजे, देखते हैं जल्दी हो जाता है तो शायद हम लोग ट्रेन मिल जाएगा। जो कुछ ख़राबी था सर सारा कुछ बन चुका है कैमरे में और ये है मेट्रो वाले देख सकते गाइस, कैमरा का रिपेयरिंग वगैरह सारा कुछ काम होता है यहाँ पे। जो हम लोग बनवाना आए थे कैमरा Nikon D5600 तो वो बन के रेडी हो चुका है, अब थोड़ा संभाल के रखने बोला क्योंकि इसको उसको हाथ में देते थे और किसी को दिया था मनोज भैया वो गिरा के लाया था, इस वजह से वो ख़राब हो चुका। अभी उसको बनवा लिए ठीक हो चुका पहले जैसा, लेकिन हाँ अभी इसको उसको नहीं देंगे, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत खर्चा होता है भाई ये सब चीज़ में, बहुत महंगा चीज़ है, जितना बजट का नहीं उठता भाड़ा उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो कोई बात नहीं खैर छोड़ो, अभी और कुछ लेना हम लोग को शॉप आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कोटा लाइट ले रहे 9 फीट का और एक कोडेक्स का ले रहे टीगर वाला फ्लैश लाइट बैटरी, बस कैमरा तो बन चुका बस सारा चीज़ ले लिए। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं सबसे कम बजट का DSLR कैमरा, सबसे कम बजट का दिखाई भैया मॉडल के साथ, हम थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं सबसे कम बजट का DSLR वो भी निकोन का दिखाइए, थोड़ा ज़्यादा डिमांडेड रहता है। हाँ 3500 डेगा कितना ले लीजिए, 17000 का आएगा 17000 फ्लिप में कम में चाहिए ले लीजिए, सिंगल लेंस के साथ 22000 का 5200 किसी को ग्राफिक में चाहिए ये ले लीजिए 72 55000 का आएगा। गाइस देख सकते हैं ग्राफिक्स भी लुक मस्त है, सोनी का कैमरा है 5500 दे देंगे आपको 38000 रुपये में, 5600 38000 में। लेंस के साथ कितना तक आएगा भैया 18-55 किट लेंस का साथ। हाँ देख सकते हैं गाइस थोड़ा सा खाली लेंस कितना तक आएगा 70-300 वाला 9000 ठीक। तो गाइस कैमरा भी बनवा लिए और एक पोटा किट लेना था वो भी ले लिए और एक प्लस लेना था वो भी ले लिए, अब सारा कुछ ले लिए हैं, अब घर निकलना होगा। और अभी सबसे पहले हम लोग को ATM से पैसा उठाना क्योंकि हम लोग के पास कैश नहीं है, जो कुछ हम लोग खरीदे ऑनलाइन से ही खरीदे और हम लोग के पास कैश नहीं है। तो अभी आसपास एक ATM मैप में देखे थे इधर ही है कहाँ, तो आप अगर कलकत्ता आना है तो थोड़ा ध्यान से चलना रोड पर क्योंकि यहाँ का गाड़ी सब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है
कुछ रुकता नहीं है भाई। गाइस खुजली हो गया, खुजली। तो चलते हैं, अब एक एटीएम दिखा आप लोगों को, आगे एचडीएफसी का, बांग्ला में लिखा हुआ, बांग्ला तो इतना समझ नहीं आता। Please cover the keypad while entering your PIN. Please cover the keypad while entering. Collect your card and wait for cash. Please collect your card and please collect your cash. Please collect. लेकिन गाइस एक चीज है, कलकत्ता बहुत पॉपुलेशन जगह है, यहाँ पर भीड़ भड़ा का देख सकते हैं एनी टाइम भाई, भीड़ भड़ा जमशेदपुर में भी है लेकिन उतना नहीं। अभी पहुँच चुके मेट्रो को लेकर सीधा राजभवन, और यहाँ से पकड़ेंगे बस। तभी हावड़ा वाला बस मिल चुका हम लोग को। गाइस ये रहा हावड़ा ब्रिज, देख सकते हैं 4:02 हो रहे हैं और हम लोग का ट्रेन है 5:40 पे। तो हम लोग जो कुछ करना है हम लोग जल्दी करना होगा। अभी हम लोग जाएंगे नदी उस पार। तो गाइस देख सकते हैं 2 टिकट ले लिए, 6 रुपीस करके हैं। चलो देख सकते भाई, अरे यार यहाँ से दिख रहा हावड़ा ब्रिज, जैसे सामने हावड़ा ब्रिज। तभी हम लोग वहाँ पे उतरे थे, पानी कम था, अब पानी पूरा भर चुका भाई, देखो। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है जहाज भाई, इतना ज़्यादा भीड़ है। अभी हम बोट पे आ चुके हैं, देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब छोड़ेगा पता नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेन भी भाई 4:20 हो चुका है, 5:40 में ट्रेन है। तो अभी ये नदी के बीचों बीच है, तो गाइस हम लोग रिटर्न घूम के आ चुके हैं। तो गाइस अभी फटाफट से कुछ खा लेते हैं, चावल ही खाएंगे क्योंकि दोपहर में नहीं खाते हैं। तो गाइस आ चुका है मछली चावल जो कलकत्ता का फेमस है, तो फटाफट से इसको भी खा लेते हैं, फिर निकलते हैं रेलवे स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खा के प्लेटफॉर्म की ओर, 18 नंबर में गाड़ी लगा हुआ स्टिल, जा रहे हैं वहीं पे, और पानी का भी बोतल भी ले लिए हैं। अभी जा रहे हैं ट्रेन में बैठेंगे, उसके बाद ही ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज देख सकते हैं स्टिल जो कि 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। यहाँ पे ट्रेन में झगड़ा हो जाए जनरल बोगी में, देख सकते मारो मारो। गाइस अभी आरपीए वाला पहुंचा है, आरके पहुंचे हैं, दोनों से 2,000 रुपये का फाइन लगा दिया है। तो गाइस यहाँ पे मस्त झरमड़े बनवाया, देख सकते हैं। अभी ऊपर में मेरे को सीट मिल चुका है। तो गाइस फाइनली जो कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अभी 9:30 हो रहे हैं, मतलब 9:30 में हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। मॉर्निंग से ट्रिप रहा हम लोग का, गए थे मॉर्निंग से 6:30 की ट्रेन था यहाँ पे, तब गए थे, अब रिटर्न आ भी गया, अब बज रहे 9:30, और यहाँ पे मैंने गाड़ी अपना स्टैंड किया था। अभी वैसे ये थोड़ा सा धूल जम गया भाई, तो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब कंटिन्यू ब्लॉग मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ईयर आते हैं एक नए ब्लॉग पे, ठीक है, 2024 को। बाय बाय।